क्या आप बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर हैं और जब भी आप त्रिविक्रम आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो लेग्स को ऊपर लिफ्ट अप ना करने की वजह से या फिर बैलेंस सही तरीके से ना करने की वजह से आप बार बार इस प्रैक्टिस को करते समय गिर जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को 5 मिनट डिफरेंट टाइप की वॉल सपोर्ट से सेल्फ प्रैक्टिस बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप त्रिविक्रम आसन को बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिनकी हेल्प से आप त्रिविक्रमासन बड़े ही इजी तरीके से सीख सके। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करना है, इसके लिए आप लोगों को चेयर का सपोर्ट चाहिए और वॉल का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इस तरफ आपको वॉल है और आपको वन साइड में चेयर को रखना है, सेम साइड के हैंड से चेयर का सपोर्ट लेना है ताकि आप अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर सको और बैलेंस भी क्रिएट कर सको इन अ स्टार्टिंग जोन। कैसे करना है, आपको दीवार से वन हैंड डिस्टेंस में इस तरीके से खड़े होना है, आपको हल्का सा ये नीज बेंड करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि हो सकता है कि आप एकदम से लेग्स को लिफ्ट अप करके दीवार पे ना रख सको। इस लेग को फोल्ड करना है, अपने हाथ से टोस को ग्रिप करना है, हल्का सा नी फोल्ड करने के बाद इस लेग को स्ट्रेट करके एक साइड में इस तरीके से रखना है। अब जो हील की हाइट होगी आपके हेड के हाइट इक्वल होना चाहिए, जो हेड के हाइट पे नहीं रख सकते एटलीस्ट शोल्डर से ऊपर रखने की कोशिश करें, अगर ये शोल्डर से नीचे है तो एंगल गलत बन जाता है जिसकी वजह से ये प्रैक्टिस सही नहीं होगा। तो आपको जो हील है इसको ऊपर रखना है पहला, दूसरा आपका जो टो है वो पॉइंटेड रहेगा सामने, ये वाला टोस आपकी अपनी तरफ खींच के रखना है, इस तरफ अपनी तरफ इसको खींचना है। तीसरा, जो आपका हिप वाला पोर्शन है पीछे की तरफ नहीं जाएगा, पीछे चला जाता है बहुत सारे प्रैक्टिशनर का, ये टोटली गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो आपको हिप्स को आगे, ये जो पेल्विक वाला पोर्शन है इसको एंगेज करके रखिए आगे की तरफ। तीसरा, चौथा, बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब त्रिविक्रम आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपने हिप्स को टर्न कर लेते हैं, ये चेस्ट भी टर्न हो जाता है, ये नीज अंदर की तरफ ऐसे बैंड होता है, हिप्स आपका रोटेट हो जाता है, ये टोटली गलत है, अलाइनमेंट इसका ठीक नहीं है। इसके लिए टो फ्लैट सामने की तरफ फ्लैट रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, नी स्ट्रेट रहेगा, पेल्विक वाला पोर्शन पॉइंटेड रहेगा, हल्का सा पुश करके रखिए चेस्ट को ऐसे, हमेशा इस आसन में अपने स्पाइन को ऊपर खींच के रखें, हंच ना बनाएं। स्ट्रेच करने के बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है, सेम साइड के हैंड से अपने टोस को पकड़ना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार दीवार की तरफ पुश करो वापिस आओ, इस हाथ से फोर्स अप्लाई करो ताकि बॉडी ऐसे झुके ना, इस तरफ लटके ना, बॉडी ऊपर रहे, और इस हाथ से टोस को इस तरीके से टोस की हेल्प से स्ट्रेच करो। जब आप रोलिंग कर रहे हैं तो टो एक बार ऊपर स्ट्रेच करोगे फिर वापिस, और मेन मूवमेंट देना आपको अपने हिप्स का, हिप्स को पुश करना है वापिस आना है, इसको पुश करना है वापिस आना है, पुश करना है मैक्सिमम फिर वापिस आना है, इस तरीके से 10 से 12 बार आपको स्ट्रेच करना है लेफ्ट लेग से, फिर उसके बाद राइट लेग से। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए। देखिए कैसे, आप इस तरीके से सेम लेग सेम डिस्टेंस पे वन हैंड डिस्टेंस पे लिफ्ट अप करना है, लेग्स को इस तरीके से ऊपर लिफ्ट अप करके रखना है। अब यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, किस तरीके से, धीरे से अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करो, इस हाथ से बैलेंस बनाते हुए टोस को ऐसे ही रखना है, और फिर धीरे 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 आप इस तरीके से फॉरवर्ड में बैंड हो जाओ आराम से, अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखो। इनिशियली अगर आप अपने हाथों को जमीन पे नहीं रख सकते तो आप ब्रिक्स का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर चेयर को भी सामने रख के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आप मान लीजिए इस तरीके से नीचे चले गए, अपने पाम्स को जमीन पर रखने की कोशिश कीजिए या फिर फिंगर्स को या फिर ब्रिक्स के ऊपर रख लीजिए अपने हाथों को, उसके बाद अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, और 10 टाइम मूवमेंट करने के बाद आपको अगले 10 सेकेंड के लिए नीचे स्ट्रेच करना है और यहाँ पे मेंटेन करना है। जितना आप फॉरवर्ड में बैंड होकर अपनी बैक को स्ट्रेट रखोगे, दोनों लेग्स को स्ट्रेट करते हुए, नीज बैंड नहीं होना चाहिए, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला, जितना हो सके स्ट्रेच करके रखना है, फॉरवर्ड बेंडिंग करके आपको 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड होल्ड करना है, जिससे कि आपका लोअर लेग के हैमस्ट्रिंग मसल और अपर लेग के हिप जॉइंट से और बैक लेग के मसल सारे स्ट्रेच हो जाए और आपके त्रिविक्रम आसन के लिए हेल्प हो, दोनों लेग से इसको स्ट्रेच करना है। ठीक है, रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। सेम
तरीके से करना है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करनी है। पहली बात, हमने जैसे पहले और सेकंड दूसरी प्रैक्टिस में वन हैंड डिस्टेंस लिया, अब इस डिस्टेंस को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, या तो पहले आप वन हैंड डिस्टेंस पे रखो और लेग्स की मूव, लेग्स को मूव करके अंदर करो, या फिर दूसरा है डायरेक्टली आप अंदर रखो और फिर आपको इस तरीके से स्ट्रेच करके यहाँ रखो। ये तो अंदर रख के था, अब मैं दूर रख के दिखाता हूँ। पहले आपने दूर रखा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिशनर का हो सकता है कि डायरेक्टली ना हो, आपने इस तरीके से रखा इसको, पैर को इस तरीके से, और उसके बाद अपने टोस को अंदर किया, फिर हील को अंदर किया, फिर टोस को अंदर किया, फिर हील को, इस तरीके से आप नज़दीक जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप इस तरीके से नज़दीक चले गए, अब जो हील की हाइट होती है वो हेड की हाइट से अबोव होगा, और जितना अबोव होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। चेयर को अपना थोड़ा क्लोज रखिए, टो सेम सामने की तरफ पॉइंटेड रहेगा, बैक स्ट्रेच रहेगा, हिप्स को आगे पुश करके रखना है, हील को इस तरीके से रखना है, टोस को अपनी तरफ स्ट्रेच करके रखना है। तीसरी प्रैक्टिस में अपने बॉडी वेट को हल्का सा चेयर की तरफ शिफ्ट करना है, चेयर का सपोर्ट हमेशा अपनी बॉडी को ऊपर खींचने के लिए लेना है, कंप्लीट बॉडी वेट इस पर शिफ्ट नहीं करना है, बॉडी वेट हमेशा लोअर लेग में रहना चाहिए, बस अपर बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए आपको चेयर सपोर्ट लेना है। यहाँ से सेम साइड के हैंड से अपने टोस को पकड़ना है थर्ड प्रैक्टिस में, और इसको धीरे धीरे वॉल का सपोर्ट छोड़कर इसको अपनी तरफ इस तरीके से पुल करके रखना है। जितना आप अपनी तरफ इस तरीके से पुल करके रखेंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेचिंग जाएगी, और जैसे मान लीजिए आपने इधर स्ट्रेच किया, तो धीरे धीरे इस चेयर का सपोर्ट आप छोड़ने की कोशिश कीजिए और बैक को स्ट्रेट कीजिए। अगर यहाँ पे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो त्रिविक्रम आसन आप जल्दी सीख जाओगे, लेकिन अगर आप चेयर का सपोर्ट लेके रख रहे हैं, कंटिन्यू स्ट्रेच तो कर रहे हैं लेकिन बैंड हो रहे हैं बॉडी को, तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए कोशिश करना है कि बैक स्ट्रेट हो और धीरे धीरे आप चेयर का सपोर्ट इस तरीके से छोड़ के मेंटेन कर सको मैक्सिमम टाइम। सेम चीज़ हमें दूसरे लेग से भी करना है। ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस थी। अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ प्रैक्टिस, दोनों कंबाइन में है, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखिए, बस तरीका आपको ध्यान से समझिए। सेम प्रैक्टिस करना है, लेग्स का थोड़ा और इनसाइड रखना है हमें, टोस को पकड़ के लिफ्ट अप करके इस तरीके से रख लिया, जितना आप ऊपर रखेंगे उतना आसान होगा। अब देखिए करना क्या है, अभी हमने जो इस साइड जो हमारा बॉडी वेट जा रहा था वो चेयर की सपोर्ट से ले रहे थे, अब हमें नहीं लेना, अब सेम साइड से हमें इस लेग के बैक साइड से हील को पकड़ना है ऐसे, दूसरी साइड का हाथ को फ्री करना है बाय शिफ्टिंग योर बॉडी वेट टुवर्ड द दिस लेग, ओके, और ऊपर इस हाथ को धीरे से ऊपर से लेकर आके यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करना है। यहाँ पे पकड़ने के बाद कई सारे प्रैक्टिशनर हो सकता है कि इसको डायरेक्टली ना पकड़ पाए, दे कैन यूज द बेल्ट, जस्ट टाई अप द बेल्ट ऑन योर टोज एंड ग्रिप द बेल्ट एंड बाय दिस यू कैन डू प्रैक्टिस, ओके, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली ग्रिप द टोज लाइक दिस, यू हैव टू बी ग्रिप एंड जस्ट बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, अपने शोल्डर को जितना हो सके इसके पीछे लेकर जाने की कोशिश कीजिए फोर्थ प्रैक्टिस में, और यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए 10 सेकेंड, 20, 30, 40, 50 सेकेंड तक एटलीस्ट यहाँ पे मेंटेन कीजिए, लेफ्ट लेग से भी राइट लेग से भी। एक चीज़ ध्यान रखें, बहुत सारे प्रैक्टिशनर यहाँ पे जब इस प्रैक्टिस को करते हैं तो बॉडी को इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं, तो ये आसन हनुमान आसन की वेरिएशन में आ गया, जिसको वमन आसन भी हम बोलते हैं, खड़े होकर जो स्प्लिट बोलते हैं, तो हमें बॉडी को टर्न नहीं करना है, हिप हमेशा सामने की तरफ फ्लेक्शन रहेगा, इस तरीके से स्ट्रेच रहेंगे, ठीक है, और बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करके रखना है, और यहाँ पे पकड़ा होल्ड किया इस तरीके से, हमें 20-20 सेकेंड से 1-1 मिनट हमें इस तरीके से स्ट्रेच करके होल्ड करना है फोर्थ प्रैक्टिस में। अब फिफ्थ प्रैक्टिस में जौन सा हाथ हमारा पीछे की तरफ है इस हाथ को आगे लेकर आना है, ठीक है, ऊपर वाले हाथ से हमने टोस को पकड़ के रखना है ऐसे ही, इस हाथ को आप यहाँ पे पाम्स को इस तरीके से रखिए, अब बॉडी वेट जो आपका दीवार की तरफ शिफ्ट है इस हाथ पे शिफ्ट करना है बॉडी वेट को, और इस लेग को फ्री करके आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है बैक साइड में, और जितना आप इसको इधर खींचेंगे और आप बॉडी वेट को अपने हाथों पर इस तरीके से रखना है, स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे इस वॉल के सपोर्ट से ऐसे करना है, और जब आप पूरा हाथ स्ट्रेट करने लगेंगे तो धीरे धीरे इसको छोड़िए और बैलेंस बनाने लगिए, धीरे धीरे जब टाइम बीतता रहेगा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से आप इस वॉल का सपोर्ट छोड़कर आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 तरह के डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी फॉर द बिगिनर्स एंड द इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर के लिए, जिनकी प्रैक्टिस करके वो त्रिविक्रम आसन को धीरे धीरे आराम से तरीके से सीख सकते हैं। जिस सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सिखाई है इसी सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है, इन प्रैक्टिस की हेल्प से आप डेफिनेटली त्रिविक्रम आसन को सीख सकते हैं और अपने आप को एक एडवांस लेवल की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट में उस वीडियो का या फिर उस आसन का प्रैक्टिसेस का नाम बता सकते हैं जो आसन
आप सीखना चाहते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूँगा एक नए आसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक ये वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।